की पार्टी को तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकता कपूर हमारी टीवी इंडस्ट्री की महारानी है और बस उनकी नजरें इनायत हम पर हो जाए तो कंटिन्यूटी शो स्टार्ट हो जाए। तो एकता जी की पार्टी जो था, मैं लास्ट टाइम पर भी इन्वाइट किया था और इस बार भी क्या ऑफकोर्स वो तो बनता था, पार्टी को तो अवॉइड नहीं कर सकते। अमेजिंग क्या है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं बोली। हम लोग 4 ईयर से इंजॉय कर रहे हैं, इसी बहाने हमारे सारी टीवी एक्टर फ्रेंड्स भी मिलना हो जाता है, क्योंकि फिल्म लाइन जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी टीवी इंडस्ट्री में छोटी सी हमारी फैमिली है, एक फैमिली के साथ में हॉल ही इंजॉय करने का मजा एक जोर होता है। और बाकी हमारी मीडिया आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें कवर करते हैं। हाँ जी हाँ जी, इन्विटेशन आया हुआ था, मतलब भगवान ने चाहा तो हो सकता आने वाले टाइम में आईटी अवार्ड हमें मिल जाए। हमारे कुछ फ्रेंड्स का नाम नॉमिनेट था, इस वजह से हम लोग उनको चेयर्स करने गए थे। और आप लोग प्रेयर कीजिए कि कंटिन्यू हमें भी कुछ अच्छा काम मिले और हम भी अवार्ड जीते हमारे दोस्तों की जैसे, लेकिन हमें खुशी होती है क्योंकि ऐसे जो हमारे जो भी शोज होते हैं, अवार्ड शोज होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारे फ्रेंड्स को हम चेयर्स करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ से हमें कोई सेलिब्रिटी पार्टी में जा रहे हो? हाँ अभी अभी वो फ्रेंड बोलेगा मेरे नाम अनाउंस कर दिया, सब मेरे घर पे पहुँच गए। ये भी सब हमारे टीवी वाले ही फ्रेंड्स हैं, इशिता, मिकी और कौन कौन है, काफी सारे लोग हैं। तो बस हम लोग अभी आफ्टर होली पार्टी करने वाले हैं। जो टाइम हो गए अभी 5 बज रहे हैं, तो आप इसके बाद कितनी देर तक पार्टी करती रहोगी? पार्टी मतलब आई थिंक मैं 8-9 बजे तक करने वाली हूँ। मैं सुबह आज लाइफ में पहली बार आज पहली बार लाइफ में मैं सुबह जल्दी उठी हूँ। मैं 9 बजे उठ गई, मैं 10 बजे फटाफट रेडी हुई, जो ऑयल बॉडी पे लगाया, पूरा मेकअप किया, कि फेस थोड़ा कवर जो है। 8-9 बजे तक तो करने वाली हूँ कम से कम। पहले मॉर्निंग में हम लोग जूम पार्टी ताजलैंड में गए, वहाँ से हम लोग BCL अटेंड किया, एक प्राइवेट पार्टी हम लोग करके आए और अभी 2 पार्टी और बाकी है। लोकेश आखिरी सवाल चलते चलते, बिग बॉस की शिल्पा भी अच्छा काम कर रहे हो और हम चाहते हैं आप बहुत ही अच्छा काम कीजिए, थैंक यू। हर साल मुझे होली सेलिब्रेट करना मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लव कलर्स एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट होली। तो इस साल कुछ दोस्तों के पास गई, मैं होली सेलिब्रेट किया और उसके बाद अभी मैं आई हूँ लोखंडवाला सेलिब्रेशन क्लब में अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे कि रंगों का त्यौहार है और रंग से खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो बस सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से और सबकी ज़िंदगी इसी तरह होली के रंगों की तरह खिलती रहे। होली को लेकर बचपन की कोई मेमोरी है, कैसे खेलते थे आप होली बचपन? अरे हमारे वहाँ पे, क्योंकि मैं आसाम से, वो बहुत गंदी तरीके से होली खेला जाता था और मुझे अभी भी याद है कि मतलब घर से मेरे दोस्त मुझे घसीटते हुए लेके आते थे और बहुत सारे अंडे, यू नो, कीचड़ के पानी, सारे गंदे पानी में मुझे डुबो डुबो के हालत ख़राब कर देते थे। बट हाँ, मैं मिस करती हूँ वो सारी चीज़ें। तो अब मैं बॉम्बे में हूँ तो यहाँ पे लोग अलग है, यहाँ की चीज़ें अलग है, तो यहाँ के हिसाब से होली मनाया जाता है। अगर हमारी ऑडियंस को डेडिकेट करें होली, हाँ, इट्स अ
चोरी चोरी रंग गई चोलिया हमारे जो तेरा रंग में, ये डेली हाइट्स का गाना है, नेहा कक्कड़ जी का, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट करते हैं होली, सभी को कलर लगाते हैं, अपने फ्रेंड और फैमिली को एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, वैसे ही इस साल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आकर कितना एंजॉय किया आपने सेलिब्रेशन को? बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा म्यूजिक है और लोग बड़े अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं और कलर का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है ये, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि सभी प्यार से होली खेलें और सेफ होली खेलें और लोगों को खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें और कलर लगाएं और सब खुश रहें, ऐसी मेरी शुभकामना। हाँ, बचपन में मैं ना होली की तैयारी करता था, बहुत दिन से होली की पिचकारियां कलर लेता था, लेकिन जैसे ही होली आती थी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं खेल ही नहीं पाता, 2-3 बार ऐसा हुआ, तो वो मुझे कभी कभी याद आ जाता है कि मेरा बहुत मन होता था, मैं खेल नहीं पाता, तो बचपन की सारी कसर मैं अभी निकाल रहा हूँ। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा सभी को कि सभी अच्छे से और प्यार से शांतिपूर्वक होली खेलें, सभी को कलर्स लगाएं, सभी को मिठाइयाँ बांटें, मिलजुल के रहें सभी।